खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। ये खबर कुलगाम से है, जहां पर 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। पुलिस के कांस्टेबल सलीम शाह, जिनको अगवा करके जिनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा शक जताया जा रहा है कि ये आतंकी सलीम शाह के हत्यारे हैं। बिल्कुल, तो जानकारी ये मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं इस इलाके में, और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बल घेर चुके हैं। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एक पुलिसकर्मी की हत्या, जैसा कि राजीव ने भी जानकारी दी, कुलगाम से अपहृत किया गया था, अपहरण किया गया था, और उसके बाद उस जवान की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है, जहां पर जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ शहीद पुलिसकर्मी सलीम शाह, जिसको कि अगवा किया गया और आतंकियों ने हत्या कर दी, और इस वक्त कुलगाम में जहां पर मुठभेड़ चल रही है, इस बात का पूरा शक है और खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी है कि आतंकवादी वही हत्यारे हो सकते हैं जिन्होंने सलीम शाह की निर्ममता से हत्या कर दी। इनपुट्स इस तरह के मिल रहे हैं कि ये जो आतंकी है वो एक घर में छिपे हुए हैं। इलाके को फिलहाल खाली करवा लिया गया है, लेकिन अभी भी इस पर ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है। एहतियातन सुरक्षा बल पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इलाके को घेर चुके हैं और 2 से 3 आतंकी छिपे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आपके टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त ये लगातार एनकाउंटर यहां पर चल रहा है। अजय जंडियाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पूरी रात ऐसी घेराबंदी चली है, फिलहाल ताजा हालात क्या है, क्या कह रही है सुरक्षा एजेंसियां? देखिए, अभी भी ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और कोशिश चलते सके। बीती रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी हैं, जिसके बाद एक कॉर्डन शुरू हुआ और पूरी रात वहां पर इनको आतंकियों को घेर के रखा गया, और सुबह पहली रोशनी में जो है फायरिंग तेज हुई। अभी हमारी जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, उनका कहना है कि प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके, और जो कहीं ना कहीं ये आतंकी जो छुपे हुए हैं, इनको इन दोनों आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी है और एक लोकल मिलिटेंट जो है वो बताया जा रहा है, और कोशिश ये कि ये एनकाउंटर जल्द खत्म हो, क्योंकि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट में अगर बाहर आए वो किसी तरह की परेशानी खड़े करें, उससे पहले इन आतंकियों को मार गिराना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की